श्रद्धा भक्ति के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। गांव में बहुत प्रसिद्ध माँ कालिका का मंदिर है, जहाँ हर नवरात्रि के समय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से माता दर्शन मात्र के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन इस बार मेले का आयोजन नहीं किया गया। नवरात्रि के आखिरी दिन श्रद्धालुओं का माता के दरबार में हुजूम लगा रहा। देखिए पूरी खबर। छतरपुर जिले के बछौन गांव में सुप्रसिद्ध माँ कालिका का मंदिर है। इस मंदिर में लोग माता के दर्शन एवं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि माता के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। माँ कालिका ने सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते कम संख्या में लोग माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। यहां तक कि जो कार्यक्रम होते थे वह भी रद्द कर दिए गए हैं। मंदिर समिति द्वारा मेले का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन इस बार प्रशासन ने मेले का आयोजन करने के लिए रोक लगा दी है। नवरात्रि के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे माता के दरबार में। आसपास के गांव से दिवाली पूजन के लिए समय पर पहुंचे हैं। यहां पर एक मेले जैसा माहौल बन गया, जिसके बाद माता कालिका के दीवालों का गांव के एक बड़े तालाब में विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन के पहले माता की सवारी नगर में भ्रमण करेगी, जिसे देखने के लिए लोगों का यहां हुजूम लगा हुआ है। छतरपुर से सचिन रुपोलिया की रिपोर्ट।